अभी प्रत्याशी है आरजेडी का जो अभी तक नहीं आया है, लेकिन दोबारा से फिर आरजेडी को वोट दोगे? हाँ, ताकि अगले 5 साल और ना आए। हाँ नया है ताऊ को जी, अभी भी नहीं करते तो क्या कहें उसको, ये बताइए। हाँ कौन से छाप लंटेन में देंगे? अच्छा, और प्रत्याशी कौन से वाले नहीं आए? लंटेन वाले ही नहीं आए? हाँ नहीं नहीं आया। तो मैंने कोई कसम खाई है कि अगले 50 साल तक? हाँ हाँ। इस बार बिहार की जनता का मूड क्या है, इस बार आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार का? इस बार हम तो आरजेडी का सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। क्या वजह है? वजह है कि हम लोग के नीतीश कुमार कुछ नहीं करते हैं, वो अपना जाति लेवल नहीं कुछ नहीं करते हैं, हम लोग के विरोध करते हैं कुछ नहीं। सर वो तो सबके भीख मंगा रहे हैं, गरीब के बाल बच्चा को आज से स्कूल में भीख कटोरा लेकर खाना के पढ़ाई के जगह पर वो खाना बंटवा रहे हैं। बताइए इससे तो आदमी शिक्षित होगा क्या? शिक्षित हो जाएगा? आप बताएं, सोच लो फिर बताएं। अच्छा ठीक, चुपचाप लंटेन छाप, इस बार नई युवा सरकार बनाना है, नया सरकार चेंज करना है, नया सरकार। अच्छा ये बताओ, पिछले 15 साल में क्या लगता है आपको, कुछ परिवर्तन आया है? कोई परिवर्तन नहीं है। सड़कें नहीं बनी? सड़कें बनी है, जाके हमारे गांव में ढलैया हुआ है, कौशलेंद्र कुमार या शक्ति यादव के द्वारा हुआ है, आप जाके देखिए कि कितना बनी है। नहीं, सड़क बनी है, टूट गई, लेकिन टूट गई है, एक महीना भी नहीं बना हुआ। बिजली आई है? बिजली आई है। कितनी? वही 24 घंटा में 15 घंटा। 15 घंटा बिजली आ गई। पीने के पानी का कुछ इंतजाम हुआ है? हाँ सर हो गया। और क्या सोचा तुमने इतनी देर? यही सोचा कि अभी तक जो गांव में ढलाई जितना ही भी होता है वो आधा धुरे ही होता है। क्या चीज है? पुलिया? हाँ नहीं नहीं, रोड। रोड हाँ, ढलैया होती है। हाँ तो ढलैया कितनी ढल गई है अब तक? लगभग हमारे गांव में अधिकतर ढलिया हो चुका है। हम लोग के गली छोड़ दी। हाँ, सी बात है। आपकी गली जो, क्या हाँ, क्यों छोड़ दिया? वो क्यों छोड़ दिया तो आप करवाने वाला ना समझेगा, हम लोग गरीब का है बेल्ट। आप गरीब हो? हाँ, खाना कमाना और बस ये करना। ओ अब तो बम्बे लुधियाना रहते थे जो साहब के बोला बोला के घर में भर दिए है, कमाने घर में है नहीं तो खाया क्या चीज। वो जो गली है जिसकी आप बता रहे हो, वहाँ कितने लोगों, कितनी आबादी रहती है? वो पूरे सब ऊंचे है, 300 घर है जो हरिजन, 300 हरिजन। हाँ जो चमार होता है, जो 300 घर पूरे चमार है वो गली में। अच्छा आप लोगों ने पता किया क्यों नहीं बनाई है सड़क? ये तो मानी का पता होता, जानकारी नहीं है। नहीं हम लोग के तो फिर जाएंगे कैसे सरकार, हम लोग के पहुंच नहीं वहाँ पर जाएंगे आपके पास। अच्छा जो आपके प्रतिनिधि हैं जिन्हें आप वोट देते हो उनसे पता किया है? तब वो तो हम लोग से मिलेंगे थोड़ी है, वो तो आएंगे बड़े बड़े आदमी से मिल करके चल गए, कम हो गया बोला हो गया तो हो गया। शक्ति यादव ना मेरे गाँव में आए हैं, जो हमारी क्यों नहीं आया जो वो जाने, ये कौन है? अभी प्रत्याशी है आरजेडी का जो अभी तक नहीं आया है, लेकिन दोबारा से फिर आरजेडी को वोट दोगे? हाँ, ताकि अगले 5 साल और ना आए। हाँ नया है ताऊ को जी, अभी भी नहीं करते तो क्या कहें उसको, ये बताइए। हाँ कौन से छाप लंटेन में देंगे? अच्छा और प्रत्याशी कौन से वाले नहीं आए? लंटेन वाले ही नहीं आए? हाँ नहीं नहीं आए। तो मैंने कोई कसम खाई है कि अगले 50 साल तक? हाँ 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 दोगे? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, नॉर्मल जानना चाहता हूँ। हाँ नॉर्मल सर, ऐसा होता है अगर कोई हमारा काम नहीं करता है तो हम उसे बदलवाना चाहते हैं। हाँ सर बात सही है। हाँ मतलब लोग ये चाहते हैं बदलाव, जैसे नीतीश कुमार के 15 साल हो गए। अब देखिए ना, 40 रुपये किलो आलू हो गया। हाँ कभी तक नहीं हुआ, हो गया। गरीब आदमी इसको खाएगा कि क्या करेगा? 200 रुपया 300 रुपया मजदूरी मिलता है, एक दिन काम मिला 10 दिन गायब हो गया। तुम सही कह, 10 दिन मान लिया जाए कि एक दिन काम मिला। अभी 40 रुपये किलो बैंगन है, 40-50 रुपये किलो बैगन है और 40 रुपये किलो आलू है, कहाँ से गरीब आदमी खाएगा? 100 रुपये प्याज है। और गरीब आदमी को कहते हैं कि सब नीचे रखो, जितना भाषण करते हैं जैसे सब कहते हैं कि गरीब जिंदाबाद है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ना, भूखने करते जिंदाबाद, वो आपको सरकार से पूछ रहे हैं। मैं जो आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, हां चुप रहिए, सही कह रहे हैं, बोलिए क्या। मैं जो कह रहा हूँ आपको, ये सारे प्रश्न अपने सरकार अपने प्रतिनिधियों से पूछने चाहिए, है ना? जी हाँ, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसके उत्तर देने चाहिए। मैं कुछ पूछता हूँ आपको, बताइए, तो आप उसके एवज में मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है ना? लेकिन प्रश्न का तो उत्तर देना चाहिए ना। हाँ सही, दे है। सकते हो? हाँ देंगे। अच्छा। आवेगा तो देंगे, और नहीं आएगा तो फिर प्रश्न पूछ लोगे? नहीं नहीं आवेगा तो इस्तीफा ले लेंगे कि नहीं आवेगा मेरे को, आवेगा तो पूछेंगे, कहेंगे। ठीक है ठीक है, अब नॉर्मल में जो बात पूछ रहा हूँ, पूछिए।
ये भैया कह रहे हैं कि इनके यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो शक्ति सिंह जो थे शक्ति सिंह जी, वो कभी आए नहीं काम देखने, लेकिन ये दोबारा से उन्हें चुनना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो कह दिया आप। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ सुनिए, अगले बार टिकट उनको मिला था तीर छाप से तो विधायक बन के गए, तो अपना विकास जितना भी भरपूर से कर दिए। विकास हुआ? हाँ विकास हुआ, अपने हाथों से किए हैं। विकास किए मतलब अपने, मतलब वो दिए तक किए हैं। हाँ अपने समय में किए। अब उनको टिकट नहीं मिला था, इधर आके मिल गया लंटेन छाप में, तब हम लोग इसीलिए उनको काम देख के संतुष्टि है, इसीलिए हम लोग देख रहे हो कि पार्टी की बात नहीं है, प्रत्याशी को हम। हाँ प्रत्याशी की बात है, प्रत्याशी की बात, उनसे आपको उम्मीद है? हाँ सर, कि मिलना चाहते जनता से एक तरह आके मिल जाए। हाँ बस इतना ही बात है। ठीक है, थैंक यू।